जो भारत को, संविधान को, नागरिकता को, झंडे को, राष्ट्रगान आदि को बांटती थी, उस धारा की समाप्ति के पश्चात जब एक भारत, एक देश, एक जन, एक संविधान, एक नागरिकता, एक झंडा, एक राष्ट्रगान वाला हिंदुस्तान हो गया है, ऐसी इस भरपूर पत्रकार वार्ता में मैं आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। स्वाभाविक रूप से पहला प्रश्न उठता है, अगर 370 और 35 से अच्छी थी तो जो भी पिछली सरकारें थी उन्होंने संविधान में इसको परमानेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भी जानते थे 370 और 35 से भारत की एकता और अखंडता के लिए विनाशकारी है। दूसरी बात, किसी भी देश के अंदर उसकी नागरिकता और संविधान और संकल्प का बंटवारा, यह उसके विकास का नहीं विनाश का कारण बनता है। जिन लोगों ने ये कहा था 370 और 35 से हटेगी तो तिरंगा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, आप सब इस बात के साक्षी हैं कि लाखों लोगों ने, चाहे जम्मू क्षेत्र था, चाहे कश्मीर था और लद्दाख यूटी हो गया वो है, तो वहाँ पर इस तिरंगे को आन बान शान के साथ लहराया है। तिरंगा विरोधी ताकतें पराजित हुई और देश प्रेम वाली ताकतों की जीत का जश्न हुआ था। मैं ये कह सकता हूँ, एक राष्ट्रीय संकल्प था लद्दाख को यूटी, वो उसको प्राप्त हो गया है। अब तेज गति से विकास की ओर नए लद्दाख के रूप में वो बढ़ेगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर यह एक यूटी है, पर भारत सरकार का कमिटमेंट है कुछ विशेष व्यवस्थाएं होने के बाद यहाँ पर चुनाव होंगे, तो स्वाभाविक है जब चुनाव होंगे तो विधानसभा रिस्टोर होगी और यह भी अपने आप एक मान्यता प्राप्त प्रदेश के रूप में होगा। तीसरी बात, यह भी एक सच है, अब एक नया संकल्प जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेना है, उस संकल्प का एक नारा है चीन, गिलगित बाल्टिस्तान कैलाश मानसरोवर खाली करो, यह हमारा है, हमारा है, उसका इसके ऊपर अवैध कब्जा है। दूसरा नारा है पाकिस्तान, मीरपुर कोटली, हवेली पुंछ, मुजफ्फराबाद आदि आदि खाली करो, ये हमारा है और हमारा ही होना चाहिए, पाकिस्तान का इसके ऊपर अवैध कब्जा है। और एक तीसरा, भारत सर्व धर्मों के संभाव का देश है, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर जुल्म है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में अहमदिया हैं, शिया हैं और वोरा हैं, ऐसे सब हैं जिन पर जुल्म है। जो लोग पाकिस्तान बनाकर भारत से उजड़ कर गए, भारत के बेईमान हुए, इस्लाम से भी परे गए, आज वो मुहाजिर हैं, उनको नागरिकता भी नहीं है, वो बदकिस्मत 1,40,00,000 लोग हैं जो दुनिया में किसी देश के नागरिक नहीं हैं, पाकिस्तान में वह प्राय बनकर जी रहे हैं। तीसरा, जो वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू के रूप में, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि आदि के रूप में,
उन सब पर जुल्म है, और इसलिए तीसरा संकल्प है पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म बंद हो, बंद हो, बंद हो, और जो भी कसूरवार हैं उसकी ठीक जांच होकर कसूरवारों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबके द्वारा देशवासियों को अपील करूंगा कि कोई भी आंदोलन वह हिंसा की ओर ना जाए, संवाद से समस्याओं के समाधान की ओर जाए, ताकि देश तेज गति से विकास कर सके और एक सुरक्षित और समर्थ देश बने, क्योंकि आज भारत की सुरक्षा और एकता पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। इसलिए मैं उस घटना की निंदा भी करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं, हेल्प टू रिस्टोर पीस, ब्रदरहुडनेस, डेवलपमेंट एंड जस्टिस। सर, कांग्रेस के काफ़ी नेता वहाँ जाना चाहते हैं, उन्हें रोका गया है, क्या कहेंगे? वो कह रहे कि कांग्रेस के नेता वहाँ पर शांति सद्भाव के लिए जाने वाले होते तो कोई रोकता नहीं। वो वहाँ पर जले पर घी डालकर और भड़काना, गुमराह करना, भटकाना और दंगे भड़काना, इसका काम करने के लिए जा रहे होंगे। इसलिए प्रशासन ने उनकी उपस्थिति को अच्छा नहीं माना, इसलिए प्रशासन ने वहाँ पर अपना लोकल निर्णय लिया। मुझे ये लगता है नेताओं को और दलों को प्रशासन की इस नीति का सहयोग करना चाहिए कि वहाँ पर वह समाज को भड़काने के लिए ना जाएं, और वह कोशिश करें उनके सारे वर्कर मिलकर वहाँ पर सद्भाव और भाईचारा और शांति का माहौल बनाएं।